इज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। आज बनाएंगे हम लोग चीज़ी डिस्क। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो हम लोग गाजर लेंगे, सिग्रेट कर लेंगे, प्याज को छोटा छोटा काट लेंगे, शिमला मिर्च को भी छोटा छोटा काट लेंगे, मटर को थोड़ा सा उबाल लेंगे, चीज़ को ग्रेट कर लेंगे, पनीर को हाथ से मैश कर लेंगे और ब्रेड लेंगे। ब्रेड को हम लोगों को काट लेना है। हम लोग कोई भी कटोरी ले सकते हैं, आप ग्लास ले सकते हैं, उससे हमें इस तरह के गोल सर्किल निकाल लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की काटना है। ये मैंने काट के निकाल लिया। अब इसी को हम लोग फिर से रखेंगे और कोई भी बर्तन लेंगे जो इससे छोटा हो, चाहे ग्लास ले लें आप या कोई ढक्कन भी ले सकते हैं, और इस तरह से आपको काट कर निकाल लेना है। और ये छोटे वाले जो पीस हैं इनके हम लोग मिनी पिज़्ज़ा बना लेंगे। अब ये वाले सर्किल जो हैं ये हमारे काम में आएंगे। ये मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं, 5 ब्रेड के गोल सर्किल हैं और 5 उसके लच्छे हैं। अब हम लोग मेयोनीज लेंगे, लगभग 2 चम्मच ले रही हूँ और 1 चम्मच इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस। अब इन दोनों चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप टोमेटो सॉस की जगह कोई भी ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं और उसे मेयोनीज में मिक्स कर सकते हैं। अब हम लोग इस तरह से बेस पर फैला देंगे। अब इसे मैं साइड में रख दूंगी। अब जो हम लोगों के गोल छल्ले से बने थे उसे हम लोग घी में या बटर में आप हल्का सा इसे ब्राउन होने तक सेक लीजिए। एक साइड से जब हो जाए तब उसे पलटा दीजिएगा और दूसरी तरफ से भी ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे और निकाल के अपने ब्रेड के ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब 1 चम्मच हम लोग तेल लेंगे, उसमें प्याज डालेंगे। प्याज को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, यानी सिर्फ 1 मिनट तक ही इसे हमें चलाना है। गैस की फ्लेम जो है हम लोग मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और जो भी हम लोगों ने सब्ज़ियाँ ली थी एक एक करके सारी सब्ज़ियाँ डालेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे, उसे भी हम लोग लगभग आधा मिनट फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग कैरेट, ग्रेट करके डालिएगा। कैरेट डालने के बाद हम लोग मटर डालेंगे। मटर को हल्का सा पहले गला लेंगे, इसे भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पनीर डाल देंगे और इन सब सब्ज़ियों को हम लोगों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब गैस की फ्लेम जो है हम लोग बंद कर देंगे, यानी सब्ज़ियों को हमें कच्चा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसे हम लोग निकाल लेंगे, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट हो जाए इसलिए मैंने उसे फ्राई किया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा टोमेटो सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। उस इन सब को हम लोग मिक्स कर देंगे। इसमें ना मैं नमक डालूँगी ना कुछ और डालूँगी। और इसे हम लोग अपने बेस पर इस तरह से बीच में रख देंगे, क्योंकि टोमेटो सॉस और चिली सॉस में पहले ही नमक होता है, इसलिए नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी हरी मिर्च ज़रूर इसमें डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे चीज़। चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक डालेंगे ऊपर से। अब इसे हम लोग फ्राई पैन में पहले हल्का सा फ्राई पैन को गर्म कर लेंगे, फिर हम लोग अपनी डिस्क रखेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। चीज़ मेल्ट होने तक इसे हम लोग पकाएंगे। नीचे से भी हल्का सा ब्राउन हो जाना चाहिए, यानी इतनी देर तक पकाना है कि नीचे भी कलर आ जाए। अब ये हमारे खाने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने ज़्यादा यमी लग रहे हैं देखने में, वो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद करते हैं तो ये आपकी फेवरेट होने वाली डिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।